नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लाइन गुरु में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां पर 3 मैचों की T20I सीरीज खेली गई और अब 5 मैचों की ODI सीरीज की बारी है, जिसका पहला मुकाबला 19 सितंबर को खेला जाएगा। यानी कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला ODI मैच है वो हमें 19 सितंबर थर्सडे के दिन शाम 5 बजे देखने को मिलेगा। ये मुकाबला होगा ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसी मुकाबले को लेकर, यानी कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी और इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी। इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वेल, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो 3 मैचों की T20I सीरीज खेली गई थी, उसका एक मुकाबला जीता था ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, तो वहीं एक मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किया था और तीसरा T20I मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब ऐसे में जो 5 मैचों की ODI सीरीज की शुरुआत होने वाली है, ये दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहां पर देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन सी टीम इस सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करती है और सीरीज पर कब्जा करती हुई नजर आती है। तो दोस्तों, आज के इस मैच प्रीव्यू की शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। तो देखिए, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में टोटल मैचेस खेले गए हैं 49, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 22 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 25 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। 2 मैचेस यहां पर टाई रहे हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का 261 का रहा है। हाईएस्ट स्कोर बनाया है इंग्लैंड की टीम ने 481 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने दर्ज किया है 83 का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो स्कोर बिलो 200 बना है 13 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 200 and 249 बना है 8 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 बना है 17 टाइम्स, वहीं स्कोर अबव 300 बना है 11 टाइम्स। तो ये तो हो गई पिच रिपोर्ट की बात। बात करें यहाँ पर हेड टू हेड कंपैरिजन के बारे में, यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ODI में कितनी बार आमना सामना हो चुका है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 156 टाइम्स दोनों टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आई है, जिसमें से 3 मुकाबलों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, 2 मुकाबले टाई रहे थे और 63 मैचेस में जीत दर्ज की है इंग्लैंड की टीम ने, तो वहीं 88 मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। अब देखिए, बात हो गई यहाँ पर हेड टू हेड कंपैरिजन के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आखिर क्या हो सकती है, यहाँ पर कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जिन्हें शामिल किया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भिड़ने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, जहां पर शामिल रह सकते हैं फिल सॉल्ज, बेन डकेट, विल जैक्स, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, लियम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, ओली स्टोन, जोफ्रा आर्चर, रेसी टोपले और आदिल राशिद। तो ये 11 खिलाड़ी हमें इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बात करें यहाँ पर इंग्लैंड के की प्लेयर्स के बारे में, यानी कि उन बल्लेबाजों, उन गेंदबाजों के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ते हुए अच्छे रन बना सकते हैं, अच्छे विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, की प्लेयर्स की लिस्ट में हमने पहला नाम शामिल किया है फिल सॉल्ज का, जिन्होंने 19 ODI मैचेस खेलते हुए 619 रन स्कोर किए हैं 133.41 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाया है। हैरी ब्रूक की बात करें तो 15 ODI मैचेस में 3 अर्धशतक की मदद से वो 407 रन स्कोर कर चुके हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 94.87 का। इनके अलावा लियम लिविंगस्टन है, जिन्होंने 25 ODI मैचेस में 3 अर्धशतक की मदद से 558 रन स्कोर किए हैं और साथ ही गेंदबाजी करते हुए 17 विकेट भी उन्होंने अपने खाते में जोड़े हैं। अगला नाम है विल जैक्स का, जिन्होंने 7 ODI मैचेस में 2 अर्धशतक की मदद से 276 रन स्कोर किए हैं और साथ ही उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट भी अपने खाते में जोड़े हैं। इनके अलावा आदिल राशिद एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए, जिन्होंने 135 ODI मैचेस में 826 रन बनाए हैं, साथ ही उन्होंने गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 199 विकेट्स वो अभी तक अपने खाते में जोड़ चुके हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है 5.64 का। आखिरी नाम है यहाँ पर जोफ्रा आर्चर का, जिन्होंने 21 ODI मैचेस में 4.81 के इकोनॉमी रेट से 42 विकेट्स अपने खाते में जोड़े हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों इंग्लैंड की टीम के बारे में। चलिए अब बिना किसी देरी के बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिर यहाँ पर किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है, जो कि इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शामिल रह सकते हैं ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, शॉन एबॉट, एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड। तो ये वो 11 खिलाड़ी होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं पहले ODI मैच के लिए। बात करें यहाँ पर की प्लेयर्स के बारे में तो देखिए, ट्रेविस हेड हैं, जिन्होंने 65 ODI मैचेस में 5 शतक और 16 अर्धशतक की मदद से 2397 रन स्कोर किए हैं, साथ ही गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट भी ट्रेविस हेड ने अपने खाते में जोड़े हैं। स्टीव स्मिथ ने 158 मैचेस में 5446 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 12 शतक और 33 अर्धशतक भी जड़े हैं, साथ ही गेंदबाजी करते हुए 28 विकेट भी चटकाए हैं। ग्लेन मैक्सवेल, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में, देखिए 138 ODI मैचेस में ग्लेन मैक्सवेल ने 3895 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक डबल सेंचुरी,
4 सेंचुरी और 23 हाफ सेंचुरी जड़ी है। साथ ही गेंदबाजी करते हुए 70 विकेट भी ग्लेन मैक्सवेल ने अपने खाते में जोड़े हैं। मिचेल मार्श ने 89 मैचेस में 2672 रन बनाए हैं, 3 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से। साथ ही गेंदबाजी करते हुए 56 विकेट्स भी उन्होंने अपने खाते में जोड़े हैं। मिचेल स्टार्क ने 121 मैचेस में 236 विकेट चटकाए हैं 5.21 के इकोनॉमी रेट से। और आखिरी नाम है एडम जैम्पा का, जिन्होंने 99 मैचेस में 169 विकेट्स निकाले हैं 5.47 के इकोनॉमी रेट से। तो ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी जो कि इस मैच में इंग्लैंड की टीम को करारी शिकस्त देने में मददगार साबित होंगे। अब देखिए यहाँ पर बात हो गई दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, साथ ही उन खिलाड़ियों की जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं और जिन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का भी हिस्सा बना सकते हैं। फाइनली अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आखिर कौन सी टीम होगी जो कि ओडीआई सीरीज की जीत के साथ शुरुआत करेगी इस पहले मैच को जीतकर। तो देखिए हेड टू हेड कंपैरिजन को देखते हुए तो दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 88 मैचेस जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने 63 मैचेस में जीत दर्ज की है। तो इस लिहाज से देखिए 60% चांसेस ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के नजर आ रहे हैं, साथ ही 40% चांसेस यहां पर इंग्लैंड की टीम के भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मुकाबला जो है इंग्लैंड के ही होम ग्राउंड पर होना है। साथ ही यहां पर देखिए हाईएस्ट स्कोर भी इंग्लैंड की टीम ने दर्ज किया है, तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम के चांसेस भी यहां पर 40% नजर आ रहे हैं, यानी कि कभी भी इस मैच को पलटने में इंग्लैंड की टीम कामयाब हो सकती है। अब आपके लिहाज से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, क्या वो ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी या फिर इंग्लैंड की टीम, क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो पर फिलहाल लगाते हैं विराम, अगली वीडियो में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।